हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग्स। टुडे डेट 17 अप्रैल 2020, सब्जेक्ट बायोलॉजी, स्टैंडर्ड 10th। टुडेज टॉपिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन कल जो मैंने पढ़ाया था वो न्यूट्रिशन के बारे में था। न्यूट्रिशन जो आपका होता है, एक प्लांट्स में होता है और एक एनिमल में होता है। तो आज हम प्लांट्स का ही एक प्लांट में न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसे होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पढ़ा रहे हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस होता था क्या? फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूटिलाइजिंग सनलाइट। तो देखिए बेटा, तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे CO2 और H2O से मिलकर और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही पूरी होती है। ओके, तो ये होती कैसे है, कैसे प्रोसेस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्लांट्स हैं, ये ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। ठीक है, ऑल टाइम CO2 रिलीज करता है। तो CO2 जब रिलीज करता है सीधे कहाँ जाती है, या तो प्लांट्स में जाएगी या तो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके जम जाएगी। ओके, तो ये प्लांट्स में जब ये चली जाती है तो ये प्लांट में CO2 ले लेता है, क्योंकि प्लांट जो होता है CO2 लेता है और O2 क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, अब O2 मेरी कहाँ जाती है, हम लोग के पास डायरेक्टली आ जाती है। ओके, तो सनलाइट क्या, जब सनलाइट इसमें पड़ती है तो हाँ, जो इसमें H2O जब ये ले रहा होता है तो जब सनलाइट पड़ती है तो इसके एस्टोमेटा खुल जाते हैं। एस्टोमेटा खुलने के बाद में जितनी भी इसने जो वाटर लिया होगा वो सब इसके जो एस्टोमेटा होते हैं वहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा, धीरे यहाँ से निकलता जाएगा और निकल के छोटी छोटी बूंदें बन के कहाँ चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। ओके, तो ये रिएक्शन क्लोरोफिल और सनलाइट की ही प्रेजेंस में पूरी हो रही है। ओके, तो कैसे हो रही है, देखिए, 6CO2 प्लस 12H2O यानी कि CO2 और H2O इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है जो लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पूरी होके ग्लूकोज बना रहा है, यानी C6H12O ग्लूकोज बना रहा है और 6O2 और प्लस 6H2O मेरा रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो C6H12O6 होता क्या है, ये ग्लूकोज होता है यानी कि डैज एनर्जी जो होती है। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, अर्थ है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एनर्जी ऑन आवर अर्थ इन द सन, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग, चाहे जो हो, सबके लिए सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सन। ओके, तो आज का ये टॉपिक इतना ही। तो आज आप लोग ये वाला टॉपिक नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बार बार ना बताना पड़े, आप लोग नोट करते रहिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।